गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके 5। आज हम जाएंगे चंडीगढ़, तो गाड़ी निकालते हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी निकाल ली है, करते हैं गाड़ी स्टार्ट। आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़, निशू का एडमिशन हो गया है, तो रात को ही नोटिस आया था कि भी सुबह पहुँचो, तो हम निकल रहे हैं। पहले जाएंगे आज़ाद नगर। तो फ्रेंड्स, हमने आज़ाद नगर से दादी को और बुआ जी को ले लिया साथ, क्योंकि उनको पूरी जानकारी है कि हम निकल चुके हैं हम चंडीगढ़ की तरफ। मौसम और का बहुत ही सुहाना, ये देखिए क्या बात है जी, इसी सुहाने हम मौसम के साथ सूरज देवता भी दर्शन कर लिए हमने। ये देखिए सूरज अपने लालिमा के साथ आया हुआ है। 100 किलोमीटर लगभग चलने के बाद हम रुके हैं यहाँ पर काले के ढाबा कैथल मशहूर, यहाँ पे हम लेंगे चाय। ये देखिए चाय हम साथ लेके आए थे, खड़े होकर इधर चाय पियेंगे, 10 मिनट रेस्ट करेंगे और फिर निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स क्या बात है, मौसम बहुत बढ़िया रखा है। यहाँ से थोड़ी दूर रह गया अपना, चलते हैं हम चंडीगढ़ में, कर चुके हैं एंटर। ये देखिए फ्रेंड्स, चंडीगढ़ में एंटर करते हुए पहले हम जाएंगे गोलू के पास, प्रज्वल जो वहाँ पर रहता है चंडीगढ़। ये देखिए KFC, स्टारबक्स, क्या बात है। चंडीगढ़ शहर वाकई में बहुत बढ़िया शहर है। इसी के साथ सफर का आनंद करते हुए हम थोड़ी देर में बस अब पहुंच जाएंगे वहां पर कोठी पर। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 16 चंडीगढ़, अपने डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी की कोठी पर। आप चलते हैं अंदर, इधर अपने को मिला यहाँ पर प्रज्वल, क्या बात है। ये देखिए इधर बैठे, हमने बहुत ही बढ़िया कोठी मिली हुई है इनको, बोले अभी आज आपको दिखा के लाते हैं कोठी। ये देखिए क्या बात है, बड़े अच्छे मोन्यूमेंट्स रखे हुए थे इधर। हम इधर बैठे गंगवा जी की कोठी पर, ये चेयर उनकी पर्सनल। हेलो, क्या बात है, बहुत ही आलिशान कोठी मिली हुई है इनको, ये देखिए सरकारी। अब गोलू बोले भाई चलो आपको दिखाते के लाते कोठी। ये देखिए, ये इनका आगे डाइनिंग रूम, ये बेडरूम आ गया, क्या बात है। ये देखिए पूरा स्पेस है, ये पीछे लॉन, बड़ा शानदार है, बहुत शांति है चंडीगढ़ के अंदर। ये देखिए, और यहाँ पे हमको मिल गया एक आम का पेड़, आम झड़ रहे थे मम्मी और ने सब आम इकट्ठे कर लिए बुआ जी ने और सब। फिर अब चलते हैं ऊपर की तरफ, गोलू वाले चलो ऊपर भी अच्छा है। ये देखिए ऊपर चलते हैं, बहुत ही शानदार काम करवाया हुआ इधर। तो घूमने के बाद अब उन्होंने भाई खाना लगवा दिया, खाना खाने के बाद अब चलते हैं यहाँ से सीधा पीछे की तरफ, एडमिशन के लिए जाना हमने को। तो फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं यहाँ से सीधा PGI चंडीगढ़ की तरफ, साथ में निशू बुआ जी, चलते हैं दिखाते हैं आपको उधर का, बहुत बढ़िया मौसम है इधर चंडीगढ़ में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है PGI चंडीगढ़, एंट्री कर चुके हैं ये सामने। तो फ्रेंड्स ये सामने आ गए अपने डिपार्टमेंट्स जहाँ पर काउंसलिंग होनी है, बहुत ही बड़ा है ये PGI चंडीगढ़। अब हम चलते हैं ऑडिटोरियम के अंदर जहाँ पर काउंसलिंग चल रही है, ये ऑडिटोरियम आ गया। अब यहाँ पर फीस जमा करवा रहे हैं पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको हो चुके हैं 2 घंटे, फीस जमा हो चुकी थी, मगर काउंसलिंग जब चल रही थी तो लंच टाइम हो गया, तो वही टाइम लग रहा है। तो बुआ जी और निशू बैठे उधर ही हॉल में, मैं इधर गाड़ी में आ गया बैठे, इधर AC चला के आराम से। गर्मी बहुत है भाई, चंडीगढ़ में भी बहुत गर्मी है भाई। तो फ्रेंड्स दोपहर को लगी भूख, कैंटीन में खाना खाने के लिए खाते। तो फ्रेंड्स शाम के बज चुके 5 और जब आए थे हिसाब से तो बढ़िया एनर्जी थी। अब देखिए इनके मुंह दिखाता हूँ, ये देखो भाई बिल्कुल सुस्ता रहे क्या सारे कैसे। तो फ्रेंड्स शाम के बज चुके थे, फाइनली हमको स्लिप मिल चुकी है अपनी, अब चलते हैं गाड़ी निकालते, चलते हैं अपने घर की तरफ। तो फ्रेंड्स हमने गाड़ी कर ली स्टार्ट, घर जाने से पहले एक बार कोठी पे जाएंगे, वहाँ पर मम्मी पापा और दादी को लेना है। अब यहाँ से हमने एग्ज़िट कर लिया है, आगे जाके देखा तो प्रज्वल आ गया था हमको लेने, रास्ता नहीं पता था हमको। ये देखिए XUV में सामने चल रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग सा शहर है। अब वहाँ से हमने मम्मी और को बिठाते हैं
मम्मी को हमने ले लिया। फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं लगभग 7:30, हम निकल चुके हैं। पहले जाएंगे पटियाला, पटियाले की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लग गया जाम। पटियाला यहाँ से लगभग है 41 किलोमीटर दूर, मोहाली में जाम लग गया है शायद। ये देखिए यहाँ पर पटियाला में एंट्री करते हैं। यहाँ पे देखा हमने गुरुद्वारा, बड़ा ही सुंदर है। आज शनिवार है तो माता जी की भी अच्छी भीड़ मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब रात के बज चुके हैं 9, हम आए इधर पटियाला काली माता मंदिर पे। बहुत मशहूर सिद्ध पीठ है माता जी की, यहाँ से दर्शन करते चलेंगे। इस हर की तरफ दिखाते हैं आपको मंदिर परिसर। तो फ्रेंड्स दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हिसार की तरफ, पटियाला से हिसार। तो फ्रेंड्स रात के बज चुके 11:15, पटियाला से चलने के बाद हम इधर ये उजाना हरियाणा में एंट्री करते हैं, खाना खाएंगे। इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।